अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर उर्दू क्लास। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बीच से दरख्त तक जो सबक था उसकी पढ़ाई शुरू की हुई थी, आज हम पढ़ाई नंबर 2 करेंगे इसकी, जो कि नेक्स्ट पेज से हमने स्टार्ट करनी थी, पैराग्राफ नंबर 2 से। नई शाखें और पत्ते निकलने की वजह से पौधे के बढ़ने की रफ्तार तेज हो रही थी। पानी, हवा और रोशनी, ये सब चीज़ें ही तो इसकी ज़रूरत थी जो उसे आसानी से मिल रही थी। उसे मीन्स पौधे को, बीज को। बीज को जब हवा, पानी और रोशनी मिलना स्टार्ट हुई तो वो जो बीज था वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो है पूरे एक पौधे में तब्दील हो गया। पौधा बढ़ता चला गया, ऊंचा लंबा होने के साथ साथ फैलने भी लगा। अब तो इसकी कई टहनियाँ थीं। कई मौसम आए और गुजर गए, गर्मी, सर्दी, खजा और बहार। इस पौधे ने हर मौसम को बर्दाश्त किया और फलता फूलता रहा। कुछ ही सालों में ये पौधा एक सायादार घना दरख्त बन चुका था। इसकी सबसे पहली शाख मजबूत होकर तना बन चुकी थी। दरख्त पर फल लगता तो लोग फल तोड़कर खुद खाते और दूसरों को भी खिलाते। मतलब कि स्टूडेंट्स, एक जो दरख्त है, मजबूत और घना जो दरख्त होता है वो एक बीज से बनता है। मतलब पहले एक बीज जो है उससे एक छोटी सी शाख फूटती है, वो जो शाख है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी होके वो एक पौधे में चेंज हो जाती है। वही पौधा जो होता है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा होके वो एक पूरे दरख्त में तब्दील हो जाता है। और उसी दरख्त पर अगर वो फलदार दरख्त है तो उस पर फल लगना शुरू हो जाता है। जब वो फल पकता है तो लोग खुद भी खाते हैं और अपने जो दोस्त अहबाब होते हैं उनको भी खिलाते हैं। इस दरख्त की शाखों पर कई परिंदों और गिलहरियों के दरख्त थे, घर थे। सुबह शाम परिंदे चहचहाते और गिलहरियां इधर उधर दौड़ती फिरती। जब भी तेज हवा चलती तो दरख्त खुशी से झूमता और ऐसा महसूस होता जैसे दरख्त के पत्ते हंसते मुस्कुराते तालियां बजा रहे हों। मतलब कि जब तेज़ हवा, खुशगवार हवा जो चलती थी तो उसके दरख्त के जो पत्ते थे वो हवा के साथ जब हिलते थे उनकी मूवमेंट, उनकी मतलब हरकत ऐसी होती थी जैसे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हों। बहुत से बीज आज भी पौधे और दरख्त बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। रोशनी, हवा और पानी के साथ साथ इन्हें हमारी मदद की भी ज़रूरत है। आइए मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, इनका ख्याल रखें और मुल्क को सरसब्ज बनाएं। रोशनी, हवा और पानी के साथ साथ इन्हें हमारी मदद की भी ज़रूरत होती है। हमारी मदद की ज़रूरत का मतलब ये है कि हमें इनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए, हमें इनको टाइम से जो है पौधों को पानी देना चाहिए और इन्हें कट नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पढ़ाई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।